वेलकम टू माय चैनल। और आज के वीडियो में मैं आप सबसे शेयर करने वाली हूँ कि कैसे आप घर पे ही बैठ के नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करके आपके बालों में स्मूथनिंग कर सकते हैं। अगर मैं स्मूथनिंग की बात करूँ, ये चीज आप सैलून में भी जाके करवाएंगे तो आपको बहुत सारा पैसा देना पड़ेगा, बट दैट्स ओके, पैसा भी हम दे देंगे, बट देन वी ऑलवेज एंड अप कंप्लेनिंग कि हमारे बाल बहुत ज्यादा रफ हो गए हैं, डैमेज हो गए हैं, बिकॉज उससे हमारे बालों में बहुत ज्यादा ड्राइनेस आ जाती है, क्योंकि वहां पे इस्तेमाल किए गए होते हैं हानिकारक बापू की तरह बहुत सारे खतरनाक केमिकल्स जो कि हमारे बालों के लिए हानिकारक होते हैं। ना उसके बाद में हम क्या करते हैं, दोबारा से हमारे बालों को रिपेयर करने के लिए कुछ ट्रीटमेंट ढूंढते हैं, गूगल पे सर्च करते हैं, यूट्यूब पे सर्च करते हैं सुपर स्टाइल टिप्स के हेयर केयर वीडियोस, प्रमोशन था ये, बट एनीवेज। सो मैं आज की वीडियो में बात करने वाली हूँ एक ऐसे हेयर ट्रीटमेंट की जिसका नाम है स्मूथनिंग। ना स्मूथनिंग में यहाँ पे हम सारे नेचुरल इंग्रेडिएंट्स का इस्तेमाल करने वाले हैं। स्मूथनिंग का प्रोसेस क्या करता है, ना सिर्फ आपके बालों को बहुत ज्यादा सॉफ्ट और एक्स्ट्रा कंडीशन करता है, नरिशमेंट देता है, साथ ही साथ ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको आपके बालों में स्ट्रेट लुक अचीव करने में भी हेल्प करता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। मेक श्योर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ऐसे ही अमेजिंग हेयर केयर, स्किन केयर और हॉल वीडियोज देखने के लिए। सब्सक्राइब के पास में जो बेल बटन है उसको पक्का हिट करना, वरना आपको वीडियोज के बारे में नोटिफिकेशन ही नहीं मिलेंगे। दैट्स लाइक वन ऑफ द चेंजेस फ्रॉम यूट्यूब। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तकरीबन 5 से 6 टेबल स्पून मतलब आधा कप आपको चाहिए होगा थिक योगर्ट का। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा 1 फुल अंडा मतलब एग। अगर आप एग इस्तेमाल नहीं करते हैं, खाते पीते नहीं हैं, कोई बात नहीं, लगा सकते हैं, नहीं लगाते हैं आप एलोवेरा जेल इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे इंग्रेडिएंट हैं वो है कोकोनट ऑयल और ऑलिव ऑयल, दोनों में से कोई भी एक है काम चल सकता है। नेक्स्ट आपको चाहिए होगा कैस्टर ऑयल, ये बहुत ही जरूरी है, इसको रिप्लेस मत करिएगा। और लास्ट में आपको चाहिए होगा अराउंड 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर। और सारी चीजों के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे अगर आपको इजीली कहीं पे भी चीजें नहीं मिलती हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम प्रोसेस का। मैंने यहाँ पे ऐड किया है अराउंड आधा कप दही का, और उसमें मैंने ऐड किया है यहाँ पे पूरा जो अंडा है, पूरा एग है उसको। नाउ एग को मैंने दोनों पार्ट्स लिए हैं, एग व्हाइट भी लिया है और एग योक भी लिया है। काफ़ी अच्छे इनके ज़रूरतें होती हैं, मैं आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में। नेक्स्ट आपको उसमें डालना होगा 2 से 3 टेबल स्पून ऑलिव ऑयल का, और मैंने यहाँ पे ऐड किया है 1 टेबल स्पून कोकोनट ऑयल का भी, बिकॉज आई लाइक टू यूज कोकोनट ऑयल इन माई हेयर केयर रूटीन, सो वाई नॉट इन दिस मास्क। और यहाँ पे मैंने ऐड किया है लास्टली 2 टेबल स्पून कैस्टर ऑयल के। और हाँ, मैं आपको लेमन दिखाना थोड़ा सा भूल गई थी, आप चाहें तो लेमन भी ऐड कर सकते हैं, थोड़ा सा आधे नींबू का जूस डाल दीजिए, दैट्स ऑल। और उसके बाद में आपको उसको अच्छे से विस्क कर लेना है, बहुत ही अच्छे से, ताकि इसमें कोई से भी लम्ब्स ना रहे और बिल्कुल भी बहुत ज़्यादा स्मूथ बन जाए। इसकी कंसिस्टेंसी है वो काफ़ी अच्छी हो जाएगी वंस यू मिक्स एवरीथिंग वेरी वेल। अब टाइम आता है कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा और बेटर करने का। तो यहाँ पे मैंने ऐड किया है 2 से 3 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर, मतलब अब आप बोलेंगे कि येलो होता है हमारा, वो डिफरेंट होता है, ये डिफरेंट है, इसका लिंक आपको नीचे मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। श्योर बहुत सारे लोग पूछ रहे होंगे वाई कॉर्नफ्लावर, मास्क वॉज रेडी ऑलरेडी। लेकिन देखिए यहाँ पे कॉर्नफ्लावर का जो काम है वो कंसिस्टेंसी को थोड़ा सा बेटर और एप्लीकेशन के लिए रेडी कर देना है। कुछ इस तरीके का हमको कंसिस्टेंसी चाहिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं मेरे बालों की कंडीशन। वेल, आपको ये मास्क आपके ऑयली बालों पर नहीं लगाना है, आपके बालों में बिल्कुल भी ऑयल नहीं होना चाहिए। नॉट टू मैंशन आप क्लियरली देख सकते हैं बालों की कंडीशन क्या है, बालों में ऑयल नहीं है, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल भी स्मूथ नहीं है, सिल्की नहीं है, बट वी आर जस्ट दिस मास्क अवे टू गेट स्मूथ एंड सिल्की हेयर। तो आपको क्या करना है, आपके बालों में अच्छे से कोम चला देना है ताकि कुछ भी नॉट्स या कुछ भी टैंगल्स वगैरह ना रहे हैं। उसके बाद में डिवाइड योर हेयर इंटू 2 सेक्शन फॉर बेटर एप्लीकेशन, और उसके बाद में हर एक सेक्शन को आपने स्मूदन आउट कर देना है विद योर फिंगर्स, और उसके बाद में हर सेक्शन में से सब सेक्शन ले लेके छोटे छोटे से पार्ट्स में आपको ये मास्क को अप्लाई करना है। आपको इस मास्क को स्टार्ट फ्रॉम योर रूट लाइक योर स्कैल्प, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि स्कैल्प पे लगा सकते हैं क्या, ऑफ कोर्स व्हाई नॉट, गो अहेड एंड अप्लाई इट ऑन योर स्कैल्प, और आपके रूट्स तक लगाना है, बिकॉज हम चाहे जो कर लें सारी चीज़ें कर लें, लेकिन टिप्स तक हम वो मॉइस्चर, हम वो जो ट्रीटमेंट है वो हम दे नहीं पाते हैं, उनको सुधार नहीं पाते हैं। तो पे अटेंशन टू योर एंड्स एज वेल। थोड़ा सा हम जानकारी ले लेते हैं इंग्रेडिएंट्स की भी, आखिर वो करते क्या हैं। कर्ड एक नेचुरल कंडीशनर का काम करता है, मॉइस्चराइज करने के साथ साथ हमारे बालों को काफ़ी अच्छा खासा नरिशमेंट भी प्रोवाइड करता है। वाइल एग ऑन द अदर साइड इज हाई इन प्रोटीन, रिच सोर्स होता है प्रोटीन का, जो हमारे बालों को स्ट्रेंथ भी देता है और मॉइस्चर तो मतलब कहना ही क्या। मैंने यहाँ पे ऐड किया है कोकोनट ऑयल बिकॉज मुझे काफ़ी पसंद है। यहाँ पे मैंने इस्तेमाल किया है ऑलिव ऑयल भी, ऑलिव ऑयल काफ़ी अच्छे से आपके स्कैल्प का जो इन्फ्लेमेशन होता है उसको कम करता है, और आपका जो स्कैल्प की इरिटेशन होती है उसको भी काफ़ी हद तक कम करता है। कर्ड से आपका देखा जाए तो थोड़ा बहुत डैंड्रफ भी ट्रीट हो जाता है, प्रिवेंट करने का काम करता है, और कैस्टर ऑयल काफ़ी अच्छी खासी हेयर ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है।
मास्क के एप्लीकेशन के साथ साथ यहाँ पे मैंने सारे पॉइंटर्स भी कवर कर लिए हैं। मैंने इस मास्क को रखा था 1 घंटे के लिए, आप भी ऐसा ही करिएगा एंड दैट्स ऑल। उसके बाद में आपको शैम्पू फॉलोड बाय योर कंडीशनर सारी चीजें कर लेनी है। यू हैव टू यूज दिस मास्क सिर्फ और सिर्फ वीक में एक बार फॉर नेक्स्ट 3 मंथ्स एंड आई कैन गारंटी यू, आई कैन अश्योर यू, आपके बालों का जो टेक्स्चर होगा, क्वालिटी होगी, वो बेहद इंप्रूव हो जाएगी। मेरी तरह दिस विल बी योर फेवरेट हेयर मास्क। That's all for this video. I hope आपके लिए वाला video काफी helpful रहा होगा। जब आप इस DIY को try करें आपके घर पे आपके बालों पे, तो please आपका जो valuable feedback है, वैल्यूएबल मैं इसलिए पहले ही बोल चुकी हूँ क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प होती है इससे मेरे चैनल की, प्लस बहुत सारे ऐसे लोगों की जिनको क्वेरीज होती हैं इन DIY से रिलेटेड कि ये काम करते हैं कैसे काम करते हैं। तो प्लीज आपका जो फीडबैक है वो जरूर छोड़िएगा एंड आई वुड लव टू रीड दैट। मैं आपको मिलती हूँ बहुत ही जल्दी अमेजिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए आप मेरी हेयर केयर प्लेलिस्ट को भी एक बार ब्राउज कर सकते हैं, आपको बहुत सारी अच्छी खासी चीजें देखने को मिल जाएंगी अगर आपने नहीं देखी है तो। बाय बाय, टेक केयर एंड आई लव यू ऑल सो मच।